कि हम लोगों का दरवाजा पैक हो गया। हम लोग जो है यहीं से घर के अंदर जाते थे और देखिए पीछे हम लोगों का मकान है जो कल टूटेगा। अभी हम लोगों का देखिए सब सामान वामान ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है। ये देखिए एंटीना यहाँ पर है, बाकी पूरा सब सामान देखिए यहाँ से लेकर वहाँ तक बिखरा पड़ा हुआ है। कोई ठिकाना नहीं है, रहने का व्यवस्था कर रहे हैं। हाय दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जो लोग ये वीडियो शाम को देख रहे हैं उनके लिए गुड इवनिंग। दोस्तों हम जो है सरिता मैडम से हमारा थोड़ा सा मैटर हो गया था, तो हम 4-5 दिन के लिए घर छोड़ करके चले गए थे। उसी बीच जो है हमारी बिटिया रानी को जो है हमारे दामाद ने जो है बहुत प्रताड़ित किया है, वो नाराज वाराज होकर के वापस आई है। तो मिस्टर अंगारा लाल का इंटरव्यू हमने देखा है, आप लोग भी जाके अंगारा लाल सर्च करिएगा, उस पर आप लोग इसका इंटरव्यू देख सकते हैं। उन्होंने इसका नाम बदल के पुष्पा सहानी रख दिया है, इसका ओरिजिनल नाम नहीं रखा। ओरिजिनल नाम हम भी नहीं बताया जा रहा। तो एक तो इसकी प्रॉब्लम, और दूसरी दोस्तों प्रॉब्लम ये थी कि हम लोग जिस मकान में रहते थे, जो भी हमारा टूटा फूटा झोपड़ी था, जो भी हमारा ताजमहल था, जो भी सपनों का महल था, इसमें हम लोग करीब आज 10 साल से यहाँ पर हम लोग रह रहे थे। ये हम लोगों को खाली करना पड़ रहा है, और जिसका मकान है उन्होंने बोला है 24 घंटे के अंदर खाली करना है। तो दोस्तों दिन भर दुकान चलाते हैं, रात का समय है, अभी रात में जो है हम अपना मकान खाली करने जा रहे हैं। क्या करें दोस्तों, बहुत और खाली तो कर रहे हैं लेकिन रहेंगे कहाँ, इसका कोई ठिकाना नहीं है। सरिता मैडम से कुछ बात करिए आप लोग, और दोस्तों हम तो जा रहे हैं काम करने, अभी जो है लास्ट में बात करेंगे आपसे। नमस्कार दोस्तों, क्या बताए, जो नसीब में लिखा रहेगा वही होगा ना। अब नसीब अपने हाथ से बना नहीं सकते हैं। झोपड़ी खाली हो रहा है दोस्तों, तो अभी देखते हैं, रूम ढूंढने गए थे, रूम मिला नहीं है क्योंकि फैमिली बड़ा है, अब बच्चे भी आ गई है, छोटा बाबू भी है, तो एक रूम लेने पर भी नहीं चलेगा, और दो रूम लेने पर समझ लीजिए 6-7 हज़ार लगेगा। अभी एडजस्ट कर रहे हैं, चाय की दुकान है वहीं पर पर्दा उर्दा डाल के व्यवस्था करेंगे। और आप लोग ऐसे वीडियो में बने रहिएगा, अब देखिए सामान मन लेकर जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, आज है 15 अगस्त, शाम के बज रहे हैं 10:30, और ये वीडियो दोस्तों हम तभी अपलोड करेंगे जब हमारा पूरा ये आसियाना उजड़ जाएगा, जब हम लोग कहीं शिफ्ट हो जाएंगे। तब तक दोस्तों आप लोग कंटिन्यू बने रहिएगा, और जा रहे हैं सामान खाली करने। सरिता मैडम आपको बैक कैमरे से दिखाती रहेंगी। हमारी गोदरेज की अलमारी जिसके अंदर कपड़ा भरा हुआ है, सबसे पहले इसको निकाल रहे देखिए। अब हम लोग जो है अपनी जो है झोपड़ी खाली कर रहे हैं, इधर देखिए पूरा जो है काम स्टार्ट हो रहे हैं। देखिए पूरे मजदूर लगे हुए, देखिए उतनी बाउंड्री चल गई है, यहाँ पे इतना काम हो गया है, और हम लोग अपना पूरा सामान खाली कर रहे हैं। तो देखिए सामने से भी जो है बाउंड्री चल रही है। सामने जो है हम लोगों के दरवाजे पे, हम यहाँ से निकलते हैं वहीं पे दीवार चल रही है, कूलर बचा है, अलमारी यही सब चीज बची है। देखिए पूरा सामान खाली हो रहा है। आप लोग को विश्वास नहीं हो रहा था ना कि रूम नहीं खाली होगा। पकड़ो उसको, पकड़ो
देखिए दोस्तों, हम लोग यहीं पर व्यवस्था अभी कर रहे हैं, कोई रूम का अभी भरोसा है नहीं। आप लोग देख सकते हैं कैसे हम लोग व्यवस्था किए हैं, अभी ऐसे छितरा छितरा कर रहे हैं सामान। जहाँ पर देखिए नसीब ले जाएगा वहाँ पर हम लोग जाएंगे। आप लोग देख सकते हैं पूरा सामान ऐसे बिखरा है। अंदर जाओ सलून, तुम हम लोग बाहर हैं ना, तो सभी चल सुनेगा। पर्दा दोनों हटाइएगा, खोल के फूल खुल जाएगा। सामान देखिए छितर भीतर हो गया है, अभी इतना समझ लिया आधा सामान है आधा उसी में है। आप लोग को पता है घर बनाने में कितना टाइम जाता है, गर्मी में एक मिनट भी नहीं लगता है। आप लोग देख सकते हैं देखिए पूरा ऐसे सामान, अभी एक बार देख सकते हैं पूरा सामान यहाँ से वहाँ तक। एक तो छोटा बच्चा भी आया है, उसमें पूरी झोपड़ी हम लोग खाली कर दिए हैं। अंदर से दिखा रहे हैं आपको, पूरी झोपड़ी खाली हो गई है, कुछ नहीं बचा है। सब पूरा सामान हम लोग निकाल दिए हैं अंदर से, और मिस्त्री लोग जो है काम शुरू कर दिए हैं। ये देखिए उधर उतनी दीवार चल गई है, हमारे घर के सामने हम लोग जहाँ से निकलते दरवाजे पर दीवार चल गई है। देखिए हम लोगों का दरवाज़ा पैक हो गया, हम लोग जो है यहीं से घर के अंदर जाते थे। और देखिए पीछे हम लोगों का मकान है जो कल टूटेगा। अभी हम लोगों का देखिए सब सामान वामान ऐसे बिखरा पड़ा हुआ है। ये देखिए एंटीना यहाँ पर है, फिल्टर है, बाकी पूरा सब सामान देखिए यहाँ से लेकर के वहाँ तक बिखरा पड़ा हुआ है। कोई ठिकाना नहीं है रहने का, व्यवस्था कर रहे हैं।